रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग कॉर्नर विद समरीन में मैं हाज़िर हूँ। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में मिक्स सब्ज़ी, जो बहुत ही चटपटी और मज़े की होती है। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, हमें बैंगन चाहिए, एक अदद बैंगन है और एक इसमें दो आलू हैं। इसको मैंने भिगो दिया था ताकि ये काले ना हो जाए, बैंगन फ़ौरन काले हो जाते हैं और आलू भी, इसलिए मैंने इसको भिगो के रखा है। ये एक आधी बंद गोभी है, एक फूल गोभी है वो भी बहुत छोटी सी थी, दो गाजरें हैं, एक शिमला मिर्च है, थोड़ी सी हरी प्याज है और ये थोड़ी सी घिया है, घिया कद्दू जो भी आप लोग कहते हैं ये वो है, थोड़ा एक छोटी सी थी, ठीक है। और अदरक लहसुन है 1 टेबल स्पून, टमाटर हैं 3 अदद, इसको मैंने छिलका उतार के बारीक काट लिए, एक प्याज छोटी सी एक प्याज थी वो, हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद। और मसालों में जो जाएगा, लाल मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा कुटा हुआ और धनिया जो पिसा साबुत धनिया जो होता है वो 1/1 टीस्पून है, नमक हसबे ज़रूरत, काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, थोड़ी सी राई है, ये राई दाना होता है और ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है डालें वरना इस पर स्किप कर दें, इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है। पानी थोड़ा सा चाहिए होगा और सरसों का ऑयल चाहिए, आप किसी भी ऑयल में बना सकते हैं, मैं सरसों के ऑयल में बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें सबसे पहले ये राई है, हमने थोड़ी सी राई डालनी है ऑयल में, ज़्यादा नहीं, 1/2 टीस्पून डालनी है, इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। उसके बाद ये प्याज है ये डाल देंगे, एक छोटी सी प्याज ली थी मैंने, ये हरी मिर्चें हैं ये भी डाल देंगे, प्याज को थोड़ा सा कच्चा पक्का करेंगे, प्याज को कच्चा पक्का करेंगे थोड़ा सा। इसके बाद ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन था ये भी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, जब तक इसको थोड़ी सी देर भूनेंगे 5 मिनट तक, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चा पानी वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भून गया है, इसके बाद हम ये टमाटर डाल देंगे, मैंने छिलका उतार लिया था, ये 3 अदद टमाटर थे इसको काट लिया था। टमाटर डालने के बाद हमने दो तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको ढकना है ताकि हमारे टमाटर अच्छे से पेस्ट बन जाए। ये देखें इधर तकरीबन 5 मिनट हुए हैं, टमाटर हमारे गल गए हैं, इसको चमचे से कुचल लेंगे ताकि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। इसके बाद ये लाल मिर्ची, गरम मसाला, काली मिर्ची, नमक, ज़ीरा और साबुत धनिया से कूटा हुआ, ये हल्दी ये डाल देंगे, तो मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा थोड़ी देर इस मसाले को भी 5 मिनट देंगे। इसमें मैं रख मानी रही हूँ, ये देखें बस हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया है, सब कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब हमने ये अपनी सारी सब्ज़ी डालनी है, इसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी प्याज, गाजरे, ये सब डालेंगे। ये भी डाल देंगे लौकी, ये आलू हैं और बैंगन, ये भी डालेंगे। अब हम इसको ना हल्की आंच पे इसको इसी तरह से, इसको मिक्स नहीं करेंगे अभी, ये खुद ही मिक्स होगी जब इसमें सब्ज़ियाँ पानी छोड़ देंगी, पानी भी बिल्कुल नहीं जाएगा। इसको ढक देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे। देखें बस 5 मिनट हुए हैं, अब हमने इसको मिक्स करना है अच्छे से।
पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये सब्ज़ियाँ अपने ही पानी में पकती हैं। वैसे भी कभी भी सब्ज़ी में पानी नहीं डालते आलू के सिवा, आलू और एक दो सब्ज़ियाँ और हैं उसमें, बाकी ये जो सब्ज़ियाँ होती हैं इनमें पानी नहीं जाता। हमने इसको मिक्स कर दिया है, हम इसे गलने देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें व्यूअर्स, तकरीबन 20 मिनट हो गए, ना मैंने इसमें पानी डाला था ना बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, बस हमने शुरू में जो मसाला भूनने के लिए जो पानी डाला था वही पानी डाला था। अब आलू चेक कर लेते हैं कि गला है कि नहीं गला। आलू गल गए हैं बिल्कुल, 20 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे अगर आप रख देंगे ना दम पे तो सारी सब्ज़ियाँ अपने आप ही बहुत नरम हो जाती हैं और बहुत अच्छी मज़े की बनती हैं। चलें अब इसको हम चूल्हा बंद करते हैं और डिश आउट करते हैं। ये देखें बस हमारी मिक्स सब्ज़ी तैयार है, इसके साथ मैंने वाइट राइस जो हैं वो बॉयल कर लिए थे, और इस तरह ये आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं और चावलों के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी है, आप इसको ज़रूर बनाएं। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।